प्रोबिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कम्प्लीशन वॉट इज़ द प्रोबिलिटी लेट से हम कहते हैं कि जी वॉट इज़ द प्रोबिलिटी ऑल दो एक्सपेक्टेड टाइम तो बता रहे हैं कि फिफ्टीन वीक्स में ये कम्प्लीट होगा प्रोजेक्ट बट वाट इज़ द प्रोबिलिटी कि ये सिक्सटीन वीक्स में कम अज कम कम्प्लीट हो जाए क्योंकि ड्यू डेट इज़ सिक्सटीन वीक्स तो हमने ये फाइंड करना है कि प्रॉबिबिलिटी क्या है कि विद इन ड्यू डेट हो जाएगा कम्प्लीट uh, हमें कहीं एक्टिविटीज़ Uh, के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं लगाने पड़ेंगे इसका टाइम रिड्यूस करने के लिए तो बेसिकली इसको हम जो कैलकुलेट uh, करते हैं प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करते हैं उसके लिए हम जेड uh, की कैलकुलेशन करते हैं जेड इज बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है उसके अंदर जेड की वैल्यू रिलेट की जाती है टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जेड क्या है बेसिकली इट इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम मीन तो ड्यू डेट इज सिक्सटीन मीन वैल्यू वॉज फिफ्टीन तो कितना स्टैंडर्ड डिविएशन ये सिक्सटीन वीक्स जो है वो मीन वैल्यू से है और वो हमारा जेड की वैल्यू होती है इस केस के अंदर हमने सिक्सटीन वीक्स माइनस फिफ्टीन वीक्स डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज वन पॉइंट सेवन सिक्स और इसके साथ किया तो हमने क्या हमें नज़र आया कि इट इज पॉइंट फाइव सेवन स्टैंडर्ड डिशन इट इज अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ फिफ्टीन वीक्स तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन है तो उस बेसिस के ऊपर हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली कि ये पॉइंट फाइव सेवन है अब बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को हम लेते हैं और उसके अंदर वैल्यूज डी होती हैं दिस इज बेसिकली वैल्यूज ऑफ जी जो कि इधर से ये सारे कॉलम के अंदर है बाकी हमारे प्रोबेबिलिटी है उससे रिलेटेड सो वॉट वी आर सेइंग हमने फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव सेवन के अगेंस्ट देखना है कि प्रॉबिबिलिटी क्या है जी के पहले जेड के पहले कॉलम के अंदर हमने देखा पॉइंट फाइव का है फिर उससे क्रॉस हम गए पॉइंट जीरो सेवन पर और उसका जहां भी इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज द प्रोबिबिलिटी जो के रिलेट करती है टू द वैल्यू ऑफ जी विच इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन तो उसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी रिलेट कर रही है दैट इज सेवनटी वन पॉइंट फाइव सेवन की वैल्यू है या सेवेंटी वन पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स उसको राउंड ऑफ करके फाइव सेवन कर लें तो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये जो प्रोजेक्ट है विद गिविंग ऑल द वेरियंसेज एंड स्टैंडर्ड डिशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज टाइम तो जो बेसिकली uh, प्रोबेबिलिटी है कि 16 वीक में ये कंप्लीट हो जाए तो दैट इज़ 71.57 परसेंट उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है ऐसे लगता है कि हमने एक्सपेक्टेड टाइम बताया कि 15 वीक्स हैं तो हम तो 16 वीक्स के अंदर कर रहे हैं तो ये तो 100 परसेंट होनी चाहिए नहीं क्योंकि इसके अंदर वेरियंस है हर एक्टिविटी में वेरियंस है एक्टिविटी तो वन वीक में भी कम्प्लीट हो सकती है फोर वीक में भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने तो एस्टिमेट वैसे लगाया ना सब्जेक्टिव है न, इट इज़ नॉट कि जो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट है तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है दैट प्रोबली विल टेक सिक्सटीन वीक्स चांसेस के हैं सेवेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट इसके चांसेस हैं प्रॉबिलिटी को अगर हम देखें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर तो हमारा ये जो है फिफ्टीन वीक इज आर मेन वैल्यू सिक्सटीन इज द वैल्यू जो कि हम चाहते हैं फाइंड करना कि इसकी प्रॉबिबिलिटी की है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू जो नजर आ रहा है ये डिस्टेंस अवे फ्रॉम मीन है स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम मीन है विच इज़ पॉइंट फाइव सेवन और ये जो वैल्यूज हैं ये एरिया अंडर द कर दिस इज योर प्रॉबिलिटी और इसकी वैल्यू इज सेवेंटी वन पॉइंट सेवन परसेंट इसी तरह अगर हम इसको देखें प्रोबेबिलिटी एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टू पॉइंट फ्रॉम बेसिकली टू पॉइंट थ्री थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम मीन है तो उसका जो एरिया अंडर द द प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 99 नाइन परसेंट है तो अगर हम कैलकुलेट करते से नाइनटीन वीक्स के अंदर अगर हम देखें कि जी वट आर द प्रोब इज द प्रोबिलिटी कि नाइनटीन वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा तो दैट कुड बी क्लोजर टू दिस वैल्यू टू पॉइंट थ्री थ्री के करीब आ रहे वो कि तो फिर चांसेज हैं कि अगर हम एक्सपेक्टेड फिफ्टीन है नाइनटीन वीक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या चांसेज हैं तो इट कुड बी क्लोजर टू दिस नाइन्टी नाइन परसेंट वाले वैल्यू uh, के और उसके अंदर हमें अगेन Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके अंदर देखना पड़ेगा कि हमारी Z की वैल्यू क्या आ रही है और उसके अगेंस्ट हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है इसके अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एक तो हमने क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं उनको डिटर्मिन किया उनको देखा उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उन पर फोकस नहीं करना क्योंकि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके उनके अंदर अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो आपके जो आ, वो है आ, क्रिटिकल पाथ उसके अंदर चेंजेस ले आए और नॉन क्रिटिकल जो है एक्टिविटीज़ उसकी वेरिएंस की वजह से कुछ कोई और आ, क्रिटिकल पाथ बन जाए तो वो उसका ख्याल रखना होता है कि ये जो वेरिएंस है अगर किसी एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है तो उसके अंदर उसकी वेरिएंस की वजह से कहीं इशू हमारे क्रिटिकल पाथ का क्रिएट ना हो जाए तो इसलिए उन एक्टिविटीज़ को भी जो नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी होती है स्पेशली वो एक्टिविटीज़ जिनका वेरियंस बहुत ज़्यादा हमें दिया गया है और वो हमें नज़र आ रहा है